ट्विटर से माहौल बनाते हैं, लेकिन आरोप आपको लगाते हैं कि रोज आप फिल्म एक जारी करते हैं शुक्रवार को जो कूड़े के घर को हमने लाइब्रेरी और जन रसोई में बदला है। बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कितने 8 साल में ऐसी चीजें ऐसे इनिशिएटिव दिए दिल्ली के बड़ी सी। हाँ, हमारे पास 1000 करोड़ रुपए नहीं है भाई साहब, और ना हमारे में इतना जिगर है कि किसी टैक्स पर का पैसा अपनी राजनीति चुपाने के लिए। लेकिन क्या लगता है इससे आप लोग को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए ये तो दिल्ली की जनता बताएगी, ये तो 7 तारीख को आपको वो पता चल जाएगा कि किसको फायदा होगा किसको नहीं। मैंने जैसे अभी आपको बोला कि मेरा काम है और मेरी पार्टी का काम है लोगों के बीच में जाना, सच बताना और सच्चाई की लड़ाई लड़ना, उसी के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ। इसी तरीके की मैं राजनीति करना चाहता हूँ। अबे जयना जी, तुम भी यार झूठे वादे। देखिए मुद्दे आप सबको पता ही है कि लांचिंग किस तरीके से नीचे आ रहे हैं, किस तरीके। मैम थोड़ा मोबाइल साइड कर लीजिए प्लीज। मल्टी लेवल नहीं, कोई नहीं आगे आराम से फ्रेम बन रहा है। होता है रोज सुबह गाड़ी आती है तो ये आप सबको पता है, दिल्ली की जनता को पता है। ये जो झूठ बोलते हैं कि हर गली में कूड़ा है, कूड़े के ऊपर ये इलेक्शन है, आप ये बताइए ना, यमुना 8 साल में कितनी साफ कर दी आपने? ये सवाल तो आप लोगों का काम है ना पूछना, आप लोग पूछते नहीं हो, वो जवाब देते नहीं है। आप इसलिए नहीं पूछ पाते क्योंकि उन्होंने इस तरीके से मीडिया मैनेज करी हुई। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, एनसीसी कंडक्ट का, क्या कहेंगे उसको? दुर्गेश पाठक सर वायलेशन कर रहे हैं। काम नहीं है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का क्या वीडियो वायरल हुआ है, क्या वीडियो वायरल नहीं हुआ। सच्चाई हुए पिछले 8 साल से दिल्ली की जनता को झूठ बोला जा रहा है और मीडिया झूठ दिखाती रहती है। उस झूठ को इतना दिखाती है कि वो सच करने की कोशिश करती है। 100 स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर, ETC बसेस, दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, हम जन रसोईयां खोलेंगे, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, हम यमुना साफ कर देंगे, ये वादे मैंने और मेरी पार्टी ने नहीं किए, ये वादे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किए। लेकिन आज 8 साल से मीडिया ने एक भी सवाल नहीं पूछा।